और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद दो दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 2 करोड़ के लागत से हो रहे सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। तो 2 करोड़ की लागत से सड़क मरम्मत कार्य होगा और इसका शिलान्यास किया है बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने। तारकिशोर प्रसाद कटिहार पहुंचे दो दिवसीय दौरे पर। तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कटिहार पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कटिहार की, जहां बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार पहुंचे हैं दो दिवसीय दौरे पर। वो कटिहार पहुंचे हैं और सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे हैं तारकिशोर प्रसाद। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं कटिहार से। मनीष, 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कटिहार, और वहां पे उन्होंने किन किन योजनाओं का शिलान्यास किया? जी देखिए, एक दिवस दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जो कि उनका गृह जिला है, वो एक दिवस दौरे पर कटिहार पहुंचे हैं। और कटिहार पहुंचने के बाद वो जो है जिले वासियों को कई सौगात दे रहे हैं। आज जो है लगातार उन्होंने जो है एक कटिहार नगर निगम क्षेत्र के इमली घाट चौक पर जो है सड़क मरम्मति का कार्य, जो कि लगभग 2 करोड़ 21 लाख से होना है, उसका शिलान्यास किया। फिर लगातार वो जो है जिले के और एक दो शिलान्यास में जो है शिरकत किए हैं, और आज जो है लगातार वो सुबह से जो है कटिहार के वासियों को कई सौगात दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो कटिहार जिला को जो उनसे उम्मीद था, कहीं ना कहीं वो अब जो है दिखने लगा है, और लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर खुशी भी है। बिल्कुल, तो 1 दिवसीय दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे हैं कटिहार, जहां उन्होंने 2 करोड़ की लागत से होने वाले सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनीष। देखिए, आज ये कटिहार प्राणपुर पद से हपलागंज कोरेठा पद तक की सड़क का मुख्यमंत्री सड़क अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत 2 करोड़ 58 लाख की लागत से इसको इसका हम सब सुदृढ़ीकरण करने जा रहे हैं। यह सड़क इस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है, क्योंकि यह शहर को ग्रामीण क्षेत्र विशेष करके कटिहार सदर प्रखंड एवं प्राणपुर प्रखंड को जोड़ती है। यह सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सड़क पर कई हमारे नगर निगम क्षेत्र के वार्ड भी अवस्थित हैं और कई महत्वपूर्ण यहाँ संस्थान भी हैं। मेही महर्षि मेही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, कई निजी बच्चों के विद्यालय हैं।